नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, जो कहा जाए इन्होंने इंजेक्ट किया आर सेकेंड हमें मालूम है कि आर सेकेंड नॉन पैथोजेनिक है, इसलिए वो उसने निमोनिया कॉज नहीं की और माइस में इलनेस नहीं हुई। देन ही इंजेक्टेड वायरुलेंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में दूसरे चूहों में क्या किया, इन्होंने एस थर्ड वाले को इंटर कराया, और जब एस थर्ड वाले को इंटर कराया तो वो वायरुलेंट है, वो डिजीज़ कॉज करता है, इसलिए उसने माइस में डिजीज़ कॉज की और जिस कारण माइस क्या हो गए, डेड हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, जो ही देन हीटेड डेड, यानी इन्होंने जो एस थर्ड वाला था उसको इन्होंने हीटेड किया, यानी इस बैक्टीरिया को हीट किया, हीट करने के बाद बैक्टीरिया डेड हो गई। नेक्स्ट इन्होंने हीट किल बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया जब माइस में, तो फिर माइस में इलनेस नहीं आई और वो हमारी लिविंग रही। नैन ग्रिफिथ नाउ मिक्स द हीट किल वायरुलेंट, और जब इन्होंने हीट किल्ड किए हुए एस थर्ड वायरुलेंट को आर सेकेंड वाले के साथ मिलाकर आर सेकेंड वाले को मिलाकर माइस के अंदर भेजा, तो भेजने पर क्या हुआ, माइस में ये सरप्राइजली, मतलब इन्हें ये लगा कि डिजीज़ कॉज नहीं होगी, लेकिन सरप्राइजली इन्होंने देखा कि जो माइस है उसमें निमोनिया कॉज हुई और इस कॉज के कारण जो माइस है वो डेड हो गई। अब जैसे ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया यहाँ पर है ना, और लास्ट हमारा ये दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि माइस में वायरुलेंट स्टेंट रिकवर्ड हुआ यानी डेथ है, मींस इन्हें जैसे कह रहे ही एक्सपेक्टेड नो इलनेस बट सरप्राइजली ऑल माइस आर डेड, इन्होंने ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि इलनेस नहीं आएगी लेकिन सरप्राइजली जितने भी माइस हैं वो डेड हो गए। इसका रीजन ही क्या था, कह रहे ही आइसोलेट बैक्टीरिया स्ट्रेन फ्रॉम दिस डाइड माइस एंड स्ट्रेन वेयर कंटेनिंग बोथ वायरुलेंट एंड अवायरुलेंट बैक्टीरिया, ही कंक्लूड दैट द हीट किल बैक्टीरिया वार स्टिल कंटेनिंग सम फैक्टर, मीन्स जो हीट किल बैक्टीरिया का था डीएनए उसने क्या किया, उसने आर वाले को कन्वर्ट कर दिया, जिस कन्वर्जन के कारण आर वाला भी वायरुलेंट हो गया और उसने डिजीज कॉज की, यानी इस प्रिंसिपल द्वारा या इस द्वारा ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है या ट्रांसफॉर्मेशन की पावर होती है, इसीलिए एस थर्ड वाले डीएनए ने आर सेकेंड वाले डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जिस कारण आर सेकेंड वाला जो नॉन वायरुलेंट था वो हमारा वायरुलेंट में चेंज हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ देने में 1944 में 3 साइंटिस्ट रहे हमारे, ओवरी, मैकार्टी और मैकलॉयड, इन्होंने क्या कह रहे हैं, लेटर ऑन विद एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज डीएनए, दिस सजेस्ट दैट डीएनए वाज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वायरुलेंस, मीन्स इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से रीगेन किया, फिर से किया और करने के बाद इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या पावर होती है, यानी वो किसी की बैक्टीरिया डीएनए को इंटर करके ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि डीएनए जो है हमारा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी है और वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है।